नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में, शीघ्र पतन या फिर जिसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो क्या होता है ये शीघ्र पतन, क्या होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन? देखिए, नाम में ही जाहिर है, शीघ्र पतन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन। यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कोई पुरुष नॉर्मल से कम टाइम पे इजैकुलेट कर जाता है, इजैकुलेशन मतलब वीर्य का डिस्चार्ज होना, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे किसी पुरुष का नॉर्मल से कम टाइम पे वीर्य का डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं शीघ्र पतन या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन। शीघ्र पतन डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। कुछ मरीजों की कंप्लेंट होती है कि उनको इरेक्शन होता है, तनाव आता है पीनिस में और सेक्स शुरू होने से पहले ही उनको डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि इरेक्शन आता है, अंदर डाल पाते हैं, वजाइना पेनेट्रेट कर पाते हैं, पेनेट्रेशन करने के इमिडिएटली बाद वो डिस्चार्ज कर जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इरेक्शन भी आता है, पेनेट्रेशन भी होती है, बट वो पेनेट्रेशन लंबे टाइम तक चल नहीं पाती, कम ही समय में डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं फील कर पाते हैं या फिर पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाता है। तो इन तीनों ही केसेस को हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन वर्ड बोलने के लिए हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि नॉर्मल ड्यूरेशन सेक्स की होती कितनी है। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में। रीज़न ये है कि लोग अक्सर पॉर्नोग्राफिक वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि उस वीडियो में जो हो रहा है वही सच है, वैसा ही होता है। मेरे पास मेरे मरीज आके बोलते हैं कि सर, वीडियो में तो घंटों घंटों सेक्स चलता है, हमारा तो हो नहीं पाता। देखिए, वो एक वीडियो है, वो रियलिटी नहीं है। मेडिकली हम कहते हैं 2 से 5 मिनट का इंटरकोर्स मेडिकली नॉर्मल माना गया है और 5 से 10 मिनट के इंटरकोर्स को अच्छा माना गया है। एनीथिंग अराउंड 5 मिनट्स इज कंसिडर्ड गुड, लेकिन मेडिकली अगर आप 2 मिनट को क्रॉस करते हैं तो आप नॉर्मल माने जाएंगे। तो अगर इजैकुलेशन मेडिकली 2 मिनट से भी कम में हो रहा है तो उसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कुछ समय पहले एक अमेरिकन गाइडलाइन है जिसको हम DSM कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, उन्होंने बोला कि 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट से कम के डिस्चार्ज को हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, बट मोटा मोटा अगर 1-2 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो पा रहा है तो उसको हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अब ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पुरुषों में होने वाली सबसे कॉमन सेक्सुअल बीमारी है। लगभग 30% पुरुषों में दिक्कत कभी ना कभी आती है और इस दिक्कत से प्रॉब्लम ये है कि एक तो सेक्सुअल रिलेशनशिप खराब होता है, पुरुष को भी और पार्टनर को भी, दोनों को भी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। दूसरा, कुछ लोगों में शुरुआत में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है और कुछ टाइम बाद इरेक्शन की दिक्कत भी होनी शुरू हो जाती है। और तीसरा, जो हमने सबसे कॉमन चीज़ देखी है कि अगर किसी पुरुष को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है तो वो क्योंकि एम्बैरेसमेंट फील करता है, शर्मिंदगी फील करता है, तो सेक्स को करना ही अवॉइड करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि शर्मिंदगी ही होगी तो करो ही मत। जैसे जैसे वो अवॉइड करने लगता है वैसे वैसे ही सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है और जैसे जैसे सेक्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। तो एक तरीके से एक चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं जिसको हम विशियस साइकिल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो संक्षेप में, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन नॉर्मल से कम ड्यूरेशन में इजैकुलेशन को कहते हैं, नॉर्मल से कम ड्यूरेशन में वीर्य के डिस्चार्ज को कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के आगे बढ़ने के काफ़ी आसार रहते हैं और इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको सही समय पर पहचान के इसका इलाज किया जाए। सेक्सुअल सॉल्व्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सेक्सुअल बीमारियों के बारे में सही मेडिकल और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमारा प्रयास है कि ये सही इन्फॉर्मेशन हर इंसान तक पहुँच पाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप सेक्सुअल सॉल्व्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।